Good morning, sweet children. So, welcome to science class. Up to now, we have done separation of mixtures and which mixtures? Solids from solids. We have separated mixtures of solids from solids. Let us revise once. See, we have done हैंड पिकिंग, हाथ से उठाना और हाथ से उठाकर उसको अलग करना. देन हमने थ्रेशिंग लिया, वीट ग्रेन्स को बीट करना तो उसके स्टॉक से ग्रेन्स अलग हो जाते हैं. वो भी सॉलिड था, वो भी सॉलिड. फिर विनोइंग किया, ग्रेन्स में से उसके छिलके निकालना. जब हम उसको एक हाइट से नीचे फेंकते हैं तो बीइंग लाइटर इन वेट, जो उसके साथ छिलके होते हैं वो थोड़ी दूर जाकर हीप बना लेते हैं, मीन्स ढेरी बना लेते हैं. और जो ग्रेन्स होते हैं दे आर बीइंग हैवियर, सो दे मेक हीप क्लोजर टू द पर्सन. पर्सन के पास जो हीप बनती है, ढेरी बनती है, वो ग्रेन्स की बनती है. और जो उड़ जाते हैं वो छिलके जो होते हैं वो लाइटर हल्के होते हैं, इसलिए वो उड़ जाते हैं. देन सीविंग किया था बेटा हमने. सीविंग मतलब सीव से छन्नी, छन्नी से छानना, ठीक है. देन हमने किया था मैग्नेटिक सेपरेशन. मैग्नेटिक सेपरेशन, अच्छा, छन्नी से छानना सॉलिड विद लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड विद सॉलिड भी हो सकता है, ओके, इस चीज़ का ध्यान रहे. देन मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन में कहीं पे भी कोई मैग्नेटिक मटीरियल है जैसे आयरन या कुछ, तो वो अलग हम कर सकते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन से. देन वी आर हैविंग सब्लीमेशन. सब्लीमेशन में वो वाले सॉलिड्स हमें सेपरेट करने होते हैं जिन सॉलिड, जो सॉलिड्स डायरेक्टली किस में चेंज हो जाते हैं, वेपर्स में, है ना. सो आफ्टर दिस नाउ वी आर गोइंग टू डू, we are going to separate mixture of solids with liquids. अब अगर हम liquids के साथ mixture देखें तो वो भी दो तरह के होते हैं, solids that dissolve in liquids. ऐसे solids जो liquid में पूरी तरह से dissolve हो जाते हैं, जैसे salt and sugar. जब पानी में salt डालते हैं तो बिल्कुल clear solution बन जाता है ना, है ना. But second time देखो, solids that do not dissolve, वो सॉलिड्स जो बिल्कुल डिसॉल्व ही नहीं होते, ठीक है, वो अलग से हमें दिखाई देते हैं. जैसे पानी में अगर आप चॉक पाउडर डाल दोगे, पानी में अगर आप मिट्टी डाल दोगे तो वो आपको एज इट इज़ दिखाई देगी, वो डिसॉल्व नहीं होती है. तो इनको सेपरेट करने के बेटे दोनों के अलग अलग मेथड्स हैं. तो आज का हमारा टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है सॉलिड्स दैट डिसॉल्व इन लिक्विड्स. लिक्विड्स में जो सॉलिड्स डिसॉल्व होते हैं जैसे सॉल्ट एंड शुगर, इनको हम अलग कैसे करेंगे. देखो ये एक बार देख लो, एक बार ये चार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो सॉलिड्स विद लिक्विड्स को चेंज करने के लिए दो कैटेगरीज आई है, एक जो डिसॉल्व हो जाते हैं, एक जो डिसॉल्व नहीं होते. देन जो डिसॉल्व हो जाते हैं उसके टू मैथड्स आर देयर, फर्स्ट इज इवेपोरेशन एंड सेकेंड इज क्रिस्टलाइजेशन. ये दोनों हमने आज करने हैं. देन जो डू नॉट डिसॉल्व की कैटेगरी में आते हैं दे आर सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन. ये दोनों एक के बाद दूसरा प्रोसेस होता है. सेडिमेंटेशन एक होता है, देन उसके बाद डिकेंटेशन करते हैं हम. देन एक प्रोसेस है लॉडिंग, देन है फिल्टरेशन, देन है सेंट्रीफ्यूगेशन. ये चार मेथड्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे. बट आपको इसको देख के पता चलना चाहिए कि ये कहाँ पर और कैसे यूज़ होगा. आई एम रिपीटिंग, सॉलिड्स विद लिक्विड्स के दो पार्ट्स हो गए. कौन से सॉलिड्स? कुछ वो जो डिसॉल्व हो जाते हैं, वो जो डिसॉल्व नहीं होते हैं. जो डिसॉल्व हो जाते हैं वो इवेपोरेशन या क्रिस्टलाइजेशन से अलग होते हैं, और जो डिसॉल्व नहीं होते हैं उनका हम सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन करते हैं, या लॉडिंग करते हैं, या फिल्टरेशन करते हैं, या सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं. आई होप दैट इट इज़ वेरी क्लियर टू यू. देन आइए अब इवेपोरेशन पे आते हैं. बच्चे हैव योर बुक विद योर सेल्फ, आपके पास आपकी बुक होनी चाहिए, ठीक है.
अभी आपको एक्टिविटी भी देखनी है और डेफिनेशन भी देखनी है. डेफिनेशन दैट इज रिटन ओवर हेयर ओनली. सो इवेपोरेशन इट इज द मैथड विच इज यूज टू सेपरेट सोलिड सब्सटेंसेज विच गेट डिजॉल्व इन लिक्विड. जो पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाते हैं ना लिक्विड में, सो उस उनको हम इवेपोरेशन से सेपरेट करते हैं. ये देखो अब इसमें क्या है. दिस इज देखो सेपरेटिंग मिक्सचर्स इवेपोरेशन. इसमें देखो हमने नीचे लिए बंसन बर्नर. बंसन बर्नर ये बर्नर होता है जो लेबोरेटरीज में यूज होता है. देन एक स्टैंड लिया. स्टैंड के ऊपर हमने एक वायर गॉज रखी. एक नेट की तरह से वायर होती है, वो एक प्लेट टाइप में उसके ऊपर रख देते हैं हम, ताकि ये इजीली हम इसके ऊपर कोई भी डिश रख सकें. डिश मतलब कोई भी बीकर या बर्तन या कुछ भी. ओके. देन हमने एक इवेपोरेटिंग डिश ली, एक ऐसा ग्लास का ग्लास की डिश ली. उसमें हमने पानी डाला. पानी कौन सा पानी? जिसमें नमक मिक्स था. ओके. अब जब इसमें ये डाला तो जब उसको ये गरम किया, गरम होने के बाद जब ये बॉयल होने लगा तो वाटर देखो एज अ वेपर्स ऊपर जा रहा है ना, इस तरीके से पानी चला गया ऊपर और नीचे रह जाएगा सिर्फ नमक. तो आपने आज ये करना है, ये एक्टिविटी आप आज करोगे. देखो एक्टिविटी नंबर टू. नाउ दिस इज फ्रॉम योर बुक. ओके, यू कैन सी इट अकॉर्डिंगली. टेक अ ग्लास बीकर. आपके पास घर में बीकर नहीं होगा, सो जस्ट टेक अ ग्लास ऑफ ग्लास. ओके, एंड फिल इट हाफ विद वाटर. उसको हाफ विद वाटर फिल कर लीजिए. उसमें 4 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे हम और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे. ठीक है. फिर ट्रांसफ़र दिस सॉल्ट सॉल्यूशन इनटू अ चाइना डिश. चाइना डिश आपको लेबोरेटरी में मिल जाती है, जैसे कप वाले मटेरियल की होती है. उसके नीचे हम बंसन बर्नर लगा देते हैं. देखो ये वायर गॉज है, ये ट्राईपॉड स्टैंड है. सो दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू इट इन योर फेयर नोटबुक ऑल्सो. ठीक है, ये एक्टिविटी ड्रॉ करनी है, आपको लिखनी भी है. I'll give you assignment, then मुझे पिक खींच के भेजनी भी है. ओके. देन ट्रांसफर दिस सॉल्ट सॉल्यूशन इनटू चाइना डिश. अब घर में आपके पास चाइना डिश नहीं है तो गैस पे रखने वाला कोई भी बर्तन ले लीजिए. ओके, जैसे बाउल ले लीजिए कोई. हीट इट ओवर अ बर्नर. गैस जला के मम्मा की हेल्प से, अपने आप नहीं जलानी है, मम्मा की हेल्प से, पापा की हेल्प से आपको गैस जलाना है. उसके ऊपर वो वैसल रख देना है. फिर आप देखोगे वाटर धीरे धीरे बॉयल होने लगेगा. बॉयल होने लगेगा तो आप अगर उसके ऊपर प्लेट रखोगे ना, 1 सेकेंड के लिए प्लेट रखना, फिर आप देखोगे कि उस प्लेट के ऊपर बहुत सारे वेपर्स आ जाएंगे, पानी की ड्रॉप्स आ जाएंगी. वो क्या होगी? इवेपोरेटेड वाटर. तो इस तरीके से ऐसी ऐसी ड्रॉप्स बन के ना पानी कहाँ जा रहा है? ऊपर हवा में जा रहा है. बट उसके अंदर तो क्या था? नमक था, है ना. वो नमक तो नहीं जाएगा ना हवा में. सो ऐसा ही होगा. देखो जैसे जैसे वो गर्म होता जाएगा, बॉयल होता जाएगा, धीरे 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 वो पानी हवा में चला जाएगा और कौन बच जाएगा नीचे? यस, वेरी गुड, सॉल्ट. ठीक है, सॉल्ट नीचे बन जाएगा. फिर वो जो सॉल्ट होगा वो उसको और अच्छे से गर्म करना, क्योंकि उसमें पानी रह जाएगा. ठीक है. सो सॉल्ट सूख जाएगा या उसको थोड़ी देर, अब जब लास्ट में बिल्कुल नन्ना सा गीला गीला सॉल्ट रह जाए तो उसको आप कहाँ रखेंगे? धूप में रख देना. ठीक है, तो वो बाकी बचा हुआ पानी भी एब्जॉर्ब हो जाएगा. सो अब वो जो वाइट पार्टिकल्स बचेंगे सॉल्ट के, उसको कंपेयर करके देखना जो पहले वाला सॉल्ट था और ये वाला सॉल्ट बिल्कुल सेम है. ठीक है, और फिर मुझे बताना कि कैसा मिक्सचर आता है. ठीक है, कैसा सॉल्ट आपके पास उस मिक्सचर में से वापस आता है. ठीक है बच्चे, दिस वॉज योर एक्टिविटी टू और ये आपको घर पे करनी है. ओके, देन वी आर कमिंग टू क्रिस्टलाइजेशन. दिस मैथड इज यूज टू ऑब्टेन प्योर सॉलिड्स फ्रॉम अ गिवन सॉल्यूशन. एक सॉल्यूशन में से प्योर सॉलिड निकालना मीन्स जितने भी इम्प्योरिटीज होती हैं उन सभी को बाहर निकाल देते हैं. इम्प्योरिटीज मतलब गंदगी, जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए.
ठीक है, बिल्कुल सेम यही आपकी बुक में लिखा है, तो यहाँ पढ़ना बुक में पढ़ना सेम है, अंडरलाइन कर लो बुक में अच्छे से, और अच्छे से क्रिस्टलाइजेशन और इवेपोरेशन की डेफिनेशंस आपको याद करनी है विद एग्जांपल्स, ठीक है। नाउ वेयर इट इज़ यूज्ड, क्रिस्टलाइजेशन को हम कहाँ यूज़ करते हैं, द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर हैज़ मैनी इम्प्योरिटीज़ इन इट। सी वाटर में, अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि सी वाटर से पानी कैसे निकालते हैं। सो उसमें ना बहुत सारी इम्प्योरिटीज़, मतलब और बहुत सारे तिनके या कुछ ऐसी चीज़ें या सैंड या कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें नहीं खाने होते हैं, नहीं चाहिए होते हैं, तो उनको इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं बेटा। सो उन इम्प्योरिटीज़ को हम ख़त्म करते हैं, रिमूव करते हैं, हटा देते हैं उस सॉल्ट में से बाय क्रिस्टलाइजेशन। सो और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और क्या क्या बनाते हैं, एक तो सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, शुगर के क्रिस्टल्स भी हमें मिलते हैं, शुगर भी हम निकाल लेते हैं इसमें से, ठीक है। देन बच्चे एलम, एलम जिसको हम फिटकरी कहते हैं, घर में अगर आपने फिटकरी नहीं देखी तो घर में पड़ी होगी, बेटा मम्मा को या पापा को बोलना कि आपको फिटकरी दिखाएं, बट ये फिटकरी पापा के पास अच्छे से होगी क्योंकि पापा आफ्टर शेव उसको लगाते हैं ताकि अगर कोई कट वगैरह लग जाए तो वो उससे ठीक हो जाए, ओके। देन नीला थोथा, ब्लू विट्रोल, ठीक है, नील जो कपड़ों को नील लगाते हैं ना उसमें भी ये यूज़ होता है, मेडिसिन में भी यूज़ होता है। सो नाउ दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैट इट इज़ अ प्रोसेस विच सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ वॉट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये वर्ड कहाँ से आ गया, पढ़ा पढ़ा लग रहा है ना, अभी अभी हमने पढ़ा था ना, कुछ ध्यान है। यस, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जब हम एक सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट डाल देते हैं। मैम ने बहुत मुश्किल मुश्किल वर्ड बोल दिए ना, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, बेटे अगर हम पानी में नमक डाल रहे हैं तो जिसके अंदर हम कोई चीज़ डाल रहे हैं उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, तो पानी सॉल्वेंट है, ठीक है। फिर जो चीज़ डाल रहे हैं, जो चीज़ डिसॉल्व कर रहे हैं उसको बोलते हैं सॉल्यूट, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। सो सॉल्वेंट में जब हम सॉल्यूट डाल रहे हैं और वो सॉल्यूट जो है एक स्टेज पर आकर डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, उसमें डिसॉल्व नहीं होता है, उस टाइम पे वो जो सॉल्यूशन कहलाएगा, पूरा लिक्विड कहलाएगा, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमने 1 स्पून डाला वो डिसॉल्व हो गया, 2 डाले डिसॉल्व हो गया, 3 4 5 6 डाले डिसॉल्व हो गया, लेकिन 6 के बाद हम जब डाल रहे हैं तो वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, दैट मीन्स हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। सो हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है क्रिस्टलाइजेशन के लिए। नाउ दिस इज द एक्टिविटी ऑफ योर बुक, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 3, 100 ml वाटर ले लिया ग्लास में किसी भी चीज़ में। नाउ प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन इट, इसमें शुगर डिसॉल्व करते जाओ तब तक करते जाओ जब तक वो डिसॉल्व होना बंद ना कर दे, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस शुगर सॉल्यूशन को हम रख देंगे गैस के ऊपर। अगेन फिर वही होगा, पानी सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। और जब उसके अंदर उसको हमें बस इसमें ये काम ज़रूरी करना है, इसको हमें हिलाना है, ठीक है। स्टिर द सॉल्यूशन ओकेजनली विद अ ग्लास रोड, व्हेन स्मॉल क्रिस्टल स्टार्ट अपीयरिंग ऑन द ग्लास रोड, ग्लास रोड के ऊपर जब स्मॉल क्रिस्टल्स बनने दिखने लग जाएंगे कि शुगर के बन गए हैं, तो हम सॉल्यूशन को स्टॉप कर देंगे, मतलब बंद कर देंगे हीट करना, ठीक है, गैस बंद कर देंगे। देन फिर उसको ठंडा होने रख देंगे, हम देखेंगे कि उस वहाँ पर छोटे छोटे स्मॉल क्रिस्टल शुगर के आ गए हैं। ध्यान रहे ये शुगर सॉल्यूशन है तो इसको पहले आपको बंद करना पड़ेगा,
क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा करोगे तो ये ब्राउन हो जाएगा, तो इट विल केमिकली चेंज, वो कुछ और ही नया कुछ बन जाएगा, ठीक है। सो आपको इतना ज़्यादा बहुत अच्छे से उसको ब्राउन नहीं करना है। या आप अगर इसमें भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर आप सॉल्ट का बना लेते हो शुगर की बजाय, तो आपके दोनों एक्सपेरिमेंट्स हो जाएंगे, इवेपोरेशन भी और क्रिस्टलाइजेशन भी। ओके, आई होप दैट इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। एक आपको छोटा सा वीडियो और दिखाते हैं अभी, ठीक है। अप टू दैट सो सी द वीडियो, दिस इज इवेपोरेशन। इस इवेपोरेशन में देखो क्या हो रहा है, जो वाटर है वो सन की एनर्जी से वेपोराइज हो रहा है और उससे बन रहे हैं क्लाउड्स। फिर वो क्लाउड्स बहुत ज़्यादा बन के वो करते हैं रेन, अगेन दे गेट हाई और फिर रेन आती है, वो शैलो बेड्स में आ जाती है और उससे कैसे प्लांट्स को पानी मिलता है, प्लांट्स बढ़ते हैं। सो इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट देखो क्या करना है। हमने पानी लिया, नीचे उसको हीट अप कर रहे हैं, बॉयल करने दे रहे हैं, देन उसमें अब ऐड करेंगे हम सॉल्ट। सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, बहुत सारा सॉल्ट ऐड कर दिया और उसको फिर गर्म होने के लिए छोड़ दिया, जो आपने अभी एक्टिविटी में देखा था। आप लास्ट में देखोगे आपके पास सॉल्ट बच जाएगा, ठीक है बच्चे। ऐसे ही हम सी वाटर से सॉल्ट बनाते हैं। सी वाटर इज अलाउड टू गो इन टू दीज शैलो बेड्स, ऐसे शैलो बेड्स में डाल देते हैं और उसको इवेपोरेट होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर ये पानी धीरे धीरे अलग अलग स्टेजेस पे पहुंचता है और ऐसे लास्ट में क्रिस्टल्स बन जाते हैं। फिर इस क्रिस्टल्स को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, और सेपरेट करके फिर इसको हम सेपरेट करके सॉल्ट बना लेते हैं। ओके,